अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। ए वेरी वार्म वेलकम एंड गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे और उसके साथ साथ अपनी स्किन का भी ख्याल रख रहे होंगे और अपने बालों का भी ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक भी जो है वो बालों से रिलेटेड है। तो आज का हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है थिनिंग ऑफ हेयर, या फिर आप ये समझ लें कि वीक एंड फ्रेजाइल हेयर। और ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है कि बस हर तीसरा बंदा जो है, और जब से कोविड आया है उसके बाद तो हर दूसरा बंदा कहता है कि मेरे बाल गिर रहे हैं और इतनी तेज़ी से गिर रहे हैं। एक तो बहुत बड़ा रीज़न कोविड के बाद ये है कि जिस जिसको कोविड रहा है, ज़्यादातर उसमें से 80% to 90% ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके बाल गिरे या बहुत तेज़ी से उसके बाद उनके बाल गिरना शुरू हो गए आफ्टर द इन्फेक्शन ऑफ कोविड। और ऐसे भी लोग हैं जिनका ऐसा कुछ भी नहीं था लेकिन उसके बावजूद जो है वो बाल बहुत गिर रहे हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बालों को भी सभी कुछ चाहिए होता है। जो आप खाते हैं, यानी कि जो आप अपने अंदर डाल रहे हैं, जो खा रहे हैं वो क्या है, उसमें कोई आपकी डेफिशिएंसी तो नहीं चल रही है, मतलब जो आपकी ओवरऑल हेल्थ है ना, अगर आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो अच्छी है तो ही आपके बाल अच्छे होंगे। अगर आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी नहीं है, उसमें कोई डेफिशिएंसी है या कोई इशू है, बॉडी स्ट्रेस में है या आपकी कोई सर्जरी हुई है, या फिर ये कि आजकल आप स्ट्रेस में हैं, या फिर ये कि आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, स्लीप डेप्रिवेशन है, कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो डेफिनेटली उससे आपके जो बाल हैं उन पे भी इफेक्ट आएगा। ये बिल्कुल नहीं हो सकता, आई एम सॉरी, पता नहीं मेरी आंख में शायद कुछ चला गया है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपकी जो हेल्थ है ओवरऑल वो अच्छी नहीं है लेकिन आपके बाल अच्छे होंगे। बाल डेफिनेटली अच्छे नहीं रह सकते अगर आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करेंगे। इंटरनल फैक्टर्स यानी कि एंडोजेनस फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, कि आपकी बॉडी के अंदर, विद इन योर बॉडी, क्या ऐसी चीजें हैं जो कि एसेंशियल हैं, जो कि बहुत जरूरी होती हैं फॉर हेल्दी हेयर, ठीक है। हमें सबका दिल चाहता है कि बाल गिरे नहीं, टूटे नहीं, उसमें से शाइन निकल रही हो और बाल जो हैं वो हेल्दी हो और बालों का वॉल्यूम अच्छा हो और बाल गिरते टूटते नहीं हो, और ऐसा नहीं हो कि आप कुछ बना ही नहीं सकते क्योंकि आपके बाल टूट रहे होते हैं। और ये भी नहीं होता, ये भी अच्छा नहीं लगता कि अच्छा इधर गिरे हुए हैं, इधर गिरे हुए हैं, आप किसी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं और आपके बाल यहां वहां गिरे हुए हैं और नजर आ रहे हैं कपड़ों के ऊपर। ऑब्वियसली बात है कि बाल जो हैं वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंस है उनकी और हम चाहते हैं कि हमारे बाल हेल्दी रहें। तो जो एंडोजेनस फैक्टर्स हैं, यानी कि इंटरनली बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका अच्छा या जिनका सही होना या पूरा होना बहुत जरूरी है अच्छे बालों के लिए। सबसे पहले ये कि अगर कोई एनीमिक है, यानी कि अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन कम है, ठीक है, आयरन की अमाउंट आपकी बॉडी के अंदर कम है, तो डेफिनेटली आपके बाल अच्छे नहीं रह सकते। उसके बाद हम आ जाते हैं एसेंशियल विटामिंस पे। एसेंशियल विटामिंस में जो टॉप पे आता है आपके हेयर ग्रोथ के लिए या हेल्दी हेयर के लिए, दैट इज विटामिन B12। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 कम है तो फिर भी आपके बाल अच्छे नहीं रह सकते, इवन के रफ होना शुरू हो जाएंगे आपके बाल। फ्रिजाइल तो होंगे, वीक तो होंगे, लेकिन साथ में रफ रहना शुरू हो जाएंगे, फ्रिजी भी लग सकते हैं आपको। उसके बाद आ जाता है जी विटामिन डी। विटामिन डी तो ऐसी विटामिन है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो विटामिन डी अगर पूरी होगी तो आपकी बॉडी जो है उसे आसानी से फाइट कर सकेगी, ये तो आपने याद रखना है। इसलिए बालों के लिए, हेल्दी हेयर के लिए भी विटामिन डी को चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर बॉडी डेफिशिएंट ऑफ विटामिन डी होगी तो डेफिनेटली अगर हम आपको कोई ऐसी चीजें देते हैं जिससे आपके बाल अच्छे हो सकते हैं, आपके बाल मजबूत हो सकते हैं, घने हो सकते हैं, तो वो काम फिर भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकेगा क्योंकि आपकी बॉडी जो है उसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी है। फिर हम आ जाते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थायराइड, ठीक है। जिन लोगों की बॉडी के अंदर थायराइड क्राइसिस होगा, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म जिनको होता है, जिन बॉडीज के अंदर जो TSH है यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन जो है वो कम होगा, या फिर T3 या T4 में कमी होती है, यानी कि थायराइड हॉर्मोन का इम्बैलेंस होगा, या आप उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कह सकते हैं,
या बॉडी थायराइड कम बनाती है तो उसमें आपके बाल जो हैं वो रूखे भी होंगे, फ्रिजी होंगे, आपको लगेगा झाड़ियां बनते जा रहे हैं, और वीक होंगे, फ्रिजाइल होंगे, जल्दी टूटने वाले होंगे। ठीक है, घने तो बहुत दूर की बात है, वो तो हो ही नहीं सकता। अब मजे की बात यह है कि ये सारे के सारे जो हैं वो एंडोजेनस फैक्टर्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी कोई फैक्टर है, वो क्या है? बहुत दफा ऐसा होता है कि जो रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स होते हैं जो कि फीमेल्स के अंदर जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल बनाते हैं और उनको पीरियड्स आते हैं, समटाइम्स ये होता है कि जो बॉडी है वो उनके टुवर्ड्स सेंसिटिव होती है, अपने ही हॉर्मोन्स के टुवर्ड्स सेंसिटिव होती है। ऐसे लोगों के अंदर पीसीओएस भी होते हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, और उन लोगों के अंदर जो है जहां पे बाल नहीं चाहिए हमें, जैसे फेस के ऊपर नहीं चाहिए हमें बाल, वहां पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, सर के ऊपर बाल चाहिए होते हैं वहां से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, तो ये उल्टा चक्कर चल रहा होता है। पीसीओएस वालों में भी बालों की थिनिंग होती है, बाल फ्रिजाइल और वीक हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से प्रेगनेंसी में क्या होता है कि प्रेगनेंसी में तकरीबन 99% लोगों के बाल अच्छे हो जाते हैं क्योंकि वो एक ही ग्रोथ फेज में लॉक हो जाते हैं। ठीक है, इकट्ठे एक ही ग्रोथ फेज में लॉक हो जाते हैं, और जब डिलीवरी होती है तो उसके एक दो महीने के बाद इकट्ठे ही अनलॉक होते हैं और इकट्ठे ढेरों ढेर गिरना शुरू हो जाते हैं। जब वो एकदम से इकट्ठे इतने सारे गिरना शुरू हो जाते हैं तो बस फिर तो बस हो जाती है ना, फिर तो ऐसे लगता है कि जैसे आप जो है वो गंजे हो जाएंगे, इतने बाल गिर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ जो इंटरनल मेन इश्यूज या मेन कॉजेज हैं वो मैंने बता दिए। अब मैं आपको बताती हूं कि एक्सटर्नल कॉजेज यानी कि एक्सोजेनस फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, बाहर की तरफ से बालों को खराब करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं। टॉप पे जो चीज आती है वो आती है बालों को उल्टा करके वॉश करना। बहुत ज्यादा लोगों को मैंने देखा है, क्योंकि जब मैं हिस्ट्री लेती हूं, मैं पूछती हूं, तो मैं हैरान हो जाती हूं कि इतने ज्यादा लोग हैं जिनको सर वॉश करना नहीं आता, उनको बाल धोने नहीं आते। सबसे पहली बात तो ये कि आपने पूरे बालों में शैम्पू नहीं लगाना होता, शैम्पू सिर्फ सर की जिल्द पे लगता है। नंबर टू ये कि आपने बालों को उल्टा करके यानी कि सारे बालों को उल्टा करके नहीं वॉश करना, आपने बालों को उनकी नेचुरल डायरेक्शन में रखते हुए ही वॉश करना है। ठीक है, नंबर थ्री पे आ जाता है कि या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं पूरा पूरा हफ्ता सर वॉश नहीं करते, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो रोज वॉश कर रहे होते हैं, बल्कि ऐसे भी हैं जो दिन में दो दो दफा शैम्पू कर रहे होते हैं। ठीक है, नाउ यू नीड टू रियलाइज, आपको ये पता होना चाहिए या पता करें जरूर कि आपकी स्कैल्प कैसी है, आपकी जो सर की स्किन है वो कैसी है। जैसी आपकी सर की स्किन होगी उसी के हिसाब से आपको उसे कितनी दफा वॉश करना है हफ्ते में और कैसे वॉश करना है वो ज्यादा अच्छा पता चलेगा। जो चीज साफ रहेगी वो खराब क्यों होगी, सफाई तो वैसे ही नस्बमान है, हमें तो वैसे ही सफाई का बहुत कहा गया है, और उसका कभी कोई नुकसान हो नहीं सकता क्योंकि साफ चीज साफ जगह कभी भी खराब नहीं होती है, वो ठीक रहती है। फिर मैंने लोगों को ये देखा है कि वो शैम्पू की बजाय, पता नहीं उनको कौन कह देता है कि शैम्पू जो है ना वो बड़ा हार्श होता है, उसमें बड़े केमिकल्स होते हैं, तो वो साबुन से 100 बार लेके उससे सर धोते हैं। देखिए, आप कैसे ऐसी चीज से सर धो सकते हैं जो उसके लिए बनाई नहीं गई, वो कभी थी उसके लिए नहीं, तो आप कैसे उसको यूज कर रहे हैं सर के ऊपर, उससे बाल टूटेंगे, बाल खराब होंगे, वो उसके लिए है ही नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप शैम्पू से ही सर वॉश करेंगे, आपने बिल्कुल भी जो है वो सोप बार लेके या सोप से वॉश नहीं करना। फिर मैंने लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं कि वो बहुत जोर जोर से अपने बालों को जो है वो टॉवल से ड्राई करते हैं, ऐसे ऐसे करके भी मैंने लोगों को देखा है, ऐसे ऐसे करके भी अपना सर बाल उल्टे करके और ऐसे झटक झटक के टॉवल से जो है वो बालों को ड्राई करते हैं। डोंट डू दिस, यू डोंट हैव टू डू दिस। ठीक है, आप इस तरह से करेंगे आपका बाल रूखा होगा, उसकी शाइन चली जाएगी, उसके अलावा जो है वो आपके बाल टूटेंगे, खराब होंगे, अच्छे नहीं होंगे। फिर आ जाता है कि आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तेल लगा लेते हैं और दो दो दिन तेल लगाया हुआ होता है, पूरा पूरा दिन तेल लगाया हुआ होता है, उसके बाद दो दो तीन तीन दफा शैम्पू करके अपने बालों को धो रहे होते हैं। ये भी गलत है। वो इसलिए गलत है कि इस तरह करने से आपको फायदा नहीं होगा, आपको ढेरों ढेर और कितनी दफा जो है वो आपको बहुत दफा आपको शैम्पू लगाना पड़ेगा, जो कि आपके लिए मुनासिब नहीं है, उससे बाल रफ होगा, ड्राई होगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि बाहर से हम गलतियां कर रहे होते हैं। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि वो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या कोई स्पोर्ट्स करते हैं, उनको पसीना भी आता है, लेकिन वो उसके बाद शैम्पू नहीं करते, वो अपनी रूटीन में शैम्पू कर रहे हैं, या फिर जाने से पहले शैम्पू कर लेंगे और जब स्वेटिंग हो जाती है
उसके बाद वो शैम्पू नहीं करते, इससे बाल बहुत ज्यादा खराब होते हैं। वो जितने खराब होते जाएंगे उनको सही करना उतना ही प्रॉब्लमैटिक होता जाएगा। तो ये जो आपकी छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, छोटे छोटे लूप होल्स हैं, जो कि पता नहीं शायद इंपॉर्टेंट नहीं लगते हमें, लेकिन वो होते बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर हेल्दी हेयर। अगर तो आपको कोई इंटरनल इशू है तो फिर तो डेफिनेटली ऊपर से चीजें लगाने से आपके बाल हेल्दी नहीं हो सकते। डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर आपके एसेंशियल टेस्ट भी करा लेगा और फिर आपको जिस सप्लीमेंटेशन की जरूरत होगी, जिस चीज की जरूरत है जो कि आपकी बॉडी में कम हो गई हुई है, उसको दे देंगे और उसी से आपके बाल इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। समटाइम्स कोई भी रीजन नहीं होता, बस ऐसे ही बाल जो है वो बहुत पतला, बहुत कमजोर और वीक होना शुरू हो जाता है। समटाइम्स ये भी होता है कि हम डिप्रेस रह रहे होते हैं या कोई डिफिकल्ट फेज ऑफ लाइफ से गुजर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो उससे भी हमारी हर चीज को फर्क पड़ता है, लेकिन ये क्योंकि एक बाहर से स्किन है या आपके बाल हैं, ये बाहर से नजर आने वाली चीज होते हैं, तो उस वो जो है उसके ऊपर इफेक्ट नजर आना शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है, अगर तो आप जो गलतियां कर रहे हैं, जैसे अभी हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, अगर आप उनको इम्प्रूव कर लेते हैं और बालों में इम्प्रूवमेंट हो जाती है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर फिर भी नहीं होती है तो देन इट्स नेसेसरी कि आप डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं कि मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे हेयर थिकनिंग प्रोडक्ट्स दिखाने लगी हूं जो कि आप यूज कर सकते हैं और अपने बालों को अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले हम शैम्पू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये देखें, ये हेयर डेंसिफाइंग शैम्पू है और कोई भी इसे यूज कर सकता है, मेल फीमेल और यंगस्टर्स भी यूज कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, ऐसी सारी की सारी चीजें डली हुई हैं जो कि आपके हेयर को थिक करने में, आपके हेयर को घना करने में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक और जो है वो बहुत अच्छा शैम्पू दिखाने लगी हूं। शैम्पू बहुत मजे का है, मजे का सेंस में कह रही हूं, मतलब टेस्ट वाइज नहीं, मजे का ही अच्छा इसलिए कह रही हूं कि इसके अंदर जो है बायोटिन भी है, प्रो वाइटमिन्स भी हैं और उसके अलावा जो है वो सल्फेट फ्री है। इसका ये मतलब हुआ कि ये तो और भी अच्छा शैम्पू है, कोई भी इसे यूज कर सकता है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रही हूं, ये देख लीजिए। आप लोग इसकी, आप लोग प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स ले लिया करें, जब आप प्रोडक्ट्स की स्क्रीनशॉट्स लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमें उल्टा नजर आ रहा था, हमारे स्पेलिंग्स गलत थे, हमें समझ नहीं आ रही थी। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपको एक और हेयर शैम्पू दिखाने वाली हूं। ये शैम्पू जो है ये भी बहुत जबरदस्त है और ये जो है ये हेयर ग्रोथ स्टिमुलेटिंग शैम्पू है। ठीक है, ये देखें, कोई भी यूज कर सकता है और ये हेयर ग्रोथ को रीस्टोर कराता है, बालों को थिक करता है, बालों को घना करता है। ठीक है, हेयर रीस्टोरिंग शैम्पू है। अब मैं आपको एक और शैम्पू दिखा रही हूं, ये भी बहुत अच्छा है और ये जो है ये इसके अंदर ज्यादातर इंग्रेडिएंट्स जो हैं या इसकी बेस जो है वो ऑर्गेनिक है और ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है जी, ये देखें, ये भी बहुत अच्छा है और हेयर फॉल को कम को रोकता है, उसके साथ जो है वो नए हेयर को ग्रो कराता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। अब मैं आपको दिखाने लगी हूं कुछ, एक और शैम्पू भी मैं आपको दिखाने लगी हूं। दिस शैम्पू इज ऑल्सो वेरी नाइस, इसके अंदर कैपिल एंड प्रो कैपिल है और ये भी जो है वो हेयर को डेंसिफाई करता है, हेयर को थिक करता है, हेयर का गिरना टूटना बंद करता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको डिफरेंट तरह के स्प्रेज दिखाने लगी हूं, आप इनको इन कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूं, ये भी जो है हेयर ग्रोथ स्टिमुलेटिंग स्प्रे है। ठीक है, ये आपने स्कैल्प में करना होता है, बालों में नहीं करना, स्कैल्प पे करना है। ठीक है, ये देखें, आप इन कॉम्बिनेशन ऐसे भी यूज कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूं, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं दोनों को, यानी कि डेंसिफाइंग शैम्पू और उसके साथ साथ जो है वो आप ये स्प्रे भी यूज कर सकते हैं, खाली भी यूज कर सकते हैं शैम्पू और स्प्रे को। उसके बाद जो है वो मैं आपको एक और स्प्रे दिखा रही हूं, ये भी जो है ये हेयर रीग्रोथ कराने वाला स्प्रे है और ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये आपके बालों को जो है, आपके फॉलिकल्स को, आपके हेयर फॉलिकल्स को रीएक्टिवेट करता है और उसकी वजह से जो है वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इसे इन कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला शैम्पू और ये वाला स्प्रे आप दोनों इकट्ठे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आराम आराम से दिखा रही हूं ताकि आप लोग जो हैं वो इनको देख लें और इनकी पिक्चर्स बना लें और फिर आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये देखें,
मैं आपको ये सिरम दिखा रही हूँ, ये भी आपने स्कैल्प के ऊपर लगाना होता है और ये भी बहुत अच्छा है, जिससे आपकी हेयर रीग्रोथ होती है, आपके बाल थिक होते हैं और गिरना टूटना बंद होते हैं, उनकी फ्रिजिलिटी कम होती है। ठीक है, आप इसको जो है वो इन कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। ये देखें, इसमें मैं आपको शैम्पू दिखा रही हूँ और उसके साथ मैं आपको स्प्रे दिखा रही हूँ। ठीक है, सिरम स्प्रे है वो दिखा रही हूँ, ये आप इन कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैं आपको एक और स्प्रे दिखा रही हूं। ये स्प्रे जो है ये बहुत अच्छा है, इसमें आपको हेयर ग्रोथ फैक्टर्स भी डले हुए हैं, इसके अंदर एसेंशियल विटामिंस, एसेंशियल मिनरल्स जो कि बालों के लिए जरूरी होते हैं वो सब डले हुए हैं। ये भी आप यूज कर सकते हैं, इससे भी बालों की फ्रिजिलिटी वीकनेस कम होगी और बालों की रीग्रोथ भी होगी और बाल जो है वो आपके हेल्दी होंगे। ठीक है, थिक होंगे। अब मैं आपको एक और दिखाने लगी हूं। ये जो है ये भी सिरम फॉर्म में ही है, ठीक है, बट स्प्रे की तरह जैसे ड्रॉपर होता है ना, उससे आपने इसको लगाना होता है, उससे आपने इसको डालना होता है। और ये भी बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है और बहुत तेजी से आपके हेयर रीग्रोथ को, आपकी हेयर रीग्रोथ को जो है वो आपकी सॉरी हेयर ग्रोथ को रीस्टोर करता है, आपके बालों को थिक करता है और आपके बालों की जो फ्रिजिलिटी और वीकनेस है उसको खत्म करता है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं कुछ सप्लीमेंट्स भी दिखाने लगी हूँ। जो सप्लीमेंट्स हैं, ज्यादातर जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो है वो बायोटिन भी होता है और उसके अलावा जो एसेंशियल विटामिंस और मिनरल्स होते हैं वो भी डले हुए होते हैं। तो मैं आपको दो दिखाने लगी हूँ। एक ये देखें, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है, वंस डेली आपने लेना होता है। और एक ये भी है, ये भी बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है और आप इन कॉम्बिनेशन भी इसको यूज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था, ये देखें, आप इन कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, इसको खाना और इसको साथ साथ जो है वो आप लगा सकते हैं। इससे भी बालों की ग्रोथ जो है वो डेंस भी होगी, आपके बाल थिक होंगे, आपके बालों के जो फ्रिजिलिटी है वो कम होगी और आपके बालों की रफनेस भी कम होगी। अच्छा, एक और बड़ा जरूरी क्या कहते हैं, बहुत जरूरी जो है वो फैक्टर है, वो क्या है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं हफ्ते में एक दफा कंडीशनर लगाती हूँ, लेकिन जब आप शैम्पू पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हम शैम्पू तो 3-4 दफा करते हैं। तो जी, कंडीशनर जो है वो कोई दवाई नहीं है जिसको आपने हफ्ते में एक दफा या दो दफा लगाना है। आपने जब भी शैम्पू करना है, जब भी अपने बाल वॉश करने हैं, तो उसके बाद आपने डेफिनेटली कंडीशनर भी लगाना होता है। ठीक है, कंडीशनर जो है वो आपके बालों को कंडीशन करने के लिए जरूरी होता है। जैसे आप फेस को मॉइस्चराइज करते हैं, उसी तरह से जो आपके हेयर होते हैं, समझे, उसका मॉइस्चर रीस्टोर करने के लिए कंडीशनर ही होता है, वो आपके हेयर की कंडीशनिंग करता है। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी होता है।